क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है, छोटी सी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, या फिर आपने मोबाइल फोन निकाला और किसको नंबर डायल करना है, मम्मी को, पापा को, लेकिन लॉक खोलते खोलते आप भूल जाते हैं कि किसको नंबर डायल करना है। कई बार बाइक में जाना इधर है, चले इधर जाते हैं, नाम अभी किसी से पूछा तुरंत नाम भूल गए। यह भुलक्कड़पन की बीमारी है, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाना, किसी छोटी सी बात पे एकदम उत्तेजित हो जाना, ये भुलक्कड़पन की बीमारी है। बात बात में गुस्सा हो जाना, जोड़ों में दर्द करना, मांसपेशियों में खिंचाव रहना, पेट गड़बड़ रहना, ये सब वात की बीमारी है। वात यानी वायु, गैस। आपको मालूम है शरीर के 70% रोग शरीर में वात के असंतुलन से होते हैं, और जो मैं सारी बीमारियां बता रहा हूं ये सब वात के असंतुलन से होता है। वात असंतुलित क्यों होता है? वात असंतुलित होने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण एक है, श्रावण मास में जब हम दूध पीते हैं तो वात असंतुलित हो जाता है। वात असंतुलित ना हो, 11 महीने दूध हमारे शरीर में अमृत का काम करता है, लेकिन केवल श्रावण मास में हरी पत्तेदार ताजी सब्जियां और दूध ये दोनों विष का काम करता है, और हमारे शरीर के 70% रोगों का कारण वात का संतुलन है। इसलिए जब सावन में दूध काम करता है विष का, तो फिर विषपान कौन करता है? भोलेनाथ शिव करते हैं। तो अर्निका ने मुझसे पूछा कि भैया वाई वेस्ट मिल्क वाले जो हैं उनको क्या जवाब दिया जाए, तो हमने कहा उनको जवाब सीधा ये दिया जाए। क्या जवाब है उनके लिए? ओम नमः शिवाय, यही उनके लिए जवाब है। ओम नमः भगवते अर्थाय, ओम नमस्ते अर्थमन्यवतोदिश्वे नमः, नमस्ते अस्तुतनुणे पापव्यामृते नमः, याजेतत्सुतमासवं भवभूतेदनोः ृष्यमंगलृत्ता।